हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग जो मैं डालने वाली हूँ आज, वो मुझे बहुत पहले डालना था, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये ब्लॉग डाल नहीं पाई। उस दौरान मेरी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो मैं सोच रही थी कि अब तो सही मौका है, ये मैं अब डालती हूँ। और आप लोग भी देखिए और आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। और इस ब्लॉग में बहुत बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें मेरी छोटी सी परी तन्वी, उसका अनप्राशन है। वो 6 महीने के हो गई थी तो ये अनप्राशन हुआ था उसका, और उस दौरान दुर्गा पूजा भी था, तो इससे अच्छा और क्या होता। तो उस दौरान ही हमारे घर में भी भोग लगता है दुर्गा पूजा में, और मंदिर में भोग हमारे तरफ से लगाया जाता है, तो उसका भी कुछ मैंने शूट किया था। तो शुरुआत होती है हमारे यहाँ जो भोग लगता है माता रानी का, तो शुरुआत पहले वहीं से करते हैं। तो आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। सारी मटकी आ चुकी है और अब इसमें ही माता रानी का प्रसाद मंदिर जाएगा। और यहाँ मम्मी तिलक लगा रही हैं चूल्हे को, और इस पर अब प्रसाद बनना शुरू हो। और अब खिचड़ी बनाई जाएगी और जिसका माता रानी को भोग लगेगा। और ये सारी मटकी भरकर तैयार हो चुकी है और ये सारी मटकी जाएगी शिवालय मंदिर, जहाँ माता रानी को भोग लगेगा खिचड़ी का। ये आज सप्तमी के दिन माँ को खिचड़ी का भोग लगता है और ये ऊपर छत पर हमारे घर में भंडारा होता है। पापा ये खिचड़ी का भोग मंदिर में लगवाते हैं शिवालय में। ये भोग तैयार है, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो पूरा टाइम बना कैस्ट्रोल लाए थे, हाँ कैस्ट्रोल में गया। रेडी है, कहाँ जा रही है यशिका? और आज क्या मिलेगा खाने को पता है आपको? खिचड़ी। लोग हो गए हैं तैयार और हम लोग जा रहे हैं यानी मेरे घर, और वहाँ आज माता रानी का प्रसाद है खिचड़ी का, तो वहाँ चल के सारी बातें करते हैं। What you want? बाबू के लिए भी है, काजू कतली है, पंजाब बिस्किट। आइए यशिका, चलिए, let's go. कहाँ गए क्या लोग? ये माता रानी की मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया था। दोनों सिस्टर बैठी है साथ में। ओहो, प्यार कर दो तो शकु, सिस्टर को प्यार करो। ओहो, और आज माता रानी के प्रसाद में हमारे तरफ से बन रहा है लड्डू, और इसका भोग लगेगा माता रानी को, और इसकी पूरी तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ आज तन्वी का अन्नप्राशन भी है, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। ये शुकु से हाय, मैं आली को मेरे पास नहीं, ये देखिए हमारी प्रिंसेस रेडी है तन्वी के 6 मंथ सेलिब्रेशन के लिए, है ना? हाँ। और आज आपकी बेबी सिस्टर का बर्थडे है क्या? 6 मंथ हो गया? हाँ। और हमने सोचा इस बार तन्वी के लिए वॉकर लेके लोग आए। ये हमारा दूसरा शॉप है, एक शॉप में कुछ पसंद नहीं आया। वॉकर होगा क्या? चलाना है आपको क्या? हाँ,
आप दिखा देना, सिखा देना उसको कैसे चलाना है ये। बोलो आपकी छोटी सिस्टर के लिए गिफ्ट लाइए यशिका। हैप्पी बर्थडे डियर तन्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यशिका पे बैठी हुई है। आपने कितना स्माइल कर लिए भाई, इसलिए वो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। और ये मंदिर शिवालय है माता रानी का, जहाँ हमारे तरफ से सप्तमी, अष्टमी और नौमी को भोग लगता है हर साल हमारे तरफ से। और इस बार बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार तन्वी का अन्नप्राशन है और उसकी पूरी तैयारी पूरी नगाड़े और बैंड बाजा के साथ पापा ने किया था। इतनी अलग सा ही रौनक हो रखा था, सब लोग झूम रहे थे और तन्वी को सबकी ब्लेसिंग्स मिली और माता रानी के इतने अच्छे दिन उसका अन्नप्राशन हुआ, इसकी सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। रहा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, सेलिब्रेट हो गया। हमारी तन्वी 6 महीने की हो गई देखते देखते, और ऐसा लगता है जैसे अभी तो उसने जन्म लिया था और अब 6 महीने की भी हो गई। तो अभी बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि आपको लगेगा कि अरे अभी तो पैदा हुई थी और अभी 6 महीने की भी हो गई। और बहुत जल्द हम लोग फर्स्ट बर्थडे भी उसका सेलिब्रेट करेंगे। सो स्वीट। क्या मैं बोलूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इसी अच्छे मूड के साथ मैं बोलती हूँ कि बाय और गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी हम।